हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खिचड़ी, जो मकर संक्रांति पे मैंने बनाया था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसमें मैंने आलू, गोभी और मटर भरपूर डाला है और ये बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ इसकी पूरी रेसिपी। बहुत ही आसान है, बिना किसी झंझट के और मेहनत के ये बन जाता है। जितनी भी सामग्री है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी मिल जाएगी। मैंने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है और काफ़ी आसान है इसको बनाना। कढ़ाई लेते हैं, उसमें हम डाल देंगे घी 1 चम्मच। आप ज़्यादा खाते हो ना, तो आप ज़्यादा घी ले लेना। फिर हम इस घी में ना सिर्फ चावल को भूनेंगे, जो चावल को धो के सुखा लेना है, थोड़ा सा पानी मतलब निकल जाए। तो उसमें हम जो है जीरा डाल देंगे, लौंग, काली मिर्च, 2-3 हरी इलायची, तेज पत्ता डाल दीजिए। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल दीजिए साबुत। और फिर जब ये मसाला चटक जाता है ना, तो हम इसमें डाल देंगे चावल, और चावल को बिल्कुल मध्यम आंच पे हम भून लेंगे। जैसे जनरली हम पुलाव के लिए भूनते हैं, बस वैसे ही भूनना है। लोगों को लगता है खिचड़ी बीमारियों का खाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह से आप एक बार बना के देखना, फिर आपको लगेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा आपको खाने में ये खिचड़ी। चावल से अगर चटकने की आवाज़ आ रही है, तो समझ जाओ आपका चावल भुन चुका है। तो इसको बस निकाल देंगे दूसरे प्लेट में, ठंडा हो जाएगा। तब तक जो है हम यहाँ पे गैस चूल्हे पे दूसरा काम करेंगे, दाल चढ़ा देते हैं यहाँ पे। क्योंकि मैंने यहाँ पे चना दाल लिया है 1 कटोरी, तो उसको धो के मैंने 2 कटोरी पानी में डाला। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो बाहर आने लगता है, तो बस अभी हम कम डालेंगे। हल्दी नमक के साथ मैंने जो है इसको 5-6 सीटी आराम से लगाया है। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम सरसों तेल डाल करके जीरा और सभी साबुत खड़े मसाले डाल देंगे। और साथ में यहाँ पे मैंने डाला प्याज, अदरक, हरी मिर्च, अगर डालना चाहो तो वो डाल दीजिए। और सारे को हम सौते करेंगे यहाँ पे। खिचड़ी खाने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा मुझे लगता है कि सर्दियों में अगर हम खिचड़ी खाएं ना, तो इससे बॉडी ना डिटॉक्स होती है, वहीं हमारा पेट लंबे समय तक भरा भी रहता है और भूख नहीं लगती, और वजन कम करने में ना बहुत मदद मिलती है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है फूल गोभी डाला, इसको हल्का सा भूनेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे नमक डालेंगे। तो ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमें खिचड़ी में भी नमक डालना है, मतलब चावल जब डालेंगे तो यहाँ पर हम जो है डाल देंगे नमक थोड़े से, और हल्दी डालेंगे यहाँ पे। फिर हम तो पहले तो सबसे पहले गोभी को हल्का सा जो है हमें लाल करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, क्रंची ही रखना है। फिर यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पूरा जो है भर के मटर लिया था। मटर का सीज़न है, बहुत अच्छे अच्छे भी मटर आ रही है, तो मैंने मटर बहुत डाला है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो साथ में मटर के साथ साथ मैंने कुछ मसालों का इस्तेमाल किया, जैसे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। नमक तो हमने डाल दिया था, और हल्दी चुटकी भर यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि हल्दी जो है शुभ माना जाता है। तो हल्दी डालेंगे यहाँ पर सब्जियों में भी और बाद में खिचड़ी में भी। फिर हम इसको ढक देंगे, 5 से 7 मिनट भी नहीं होगा कि ये आपका ना हाफ कुक्ड हो जाता है। तो बस हमें इतना ही पकाना है, इसको फुल हमें नहीं पकाना है। एक भगोने लेंगे, उसमें पानी को खौलाएंगे और थोड़ा सा जो है उसमें पहले से घी डाल दिया था मैंने, और जो भुने हुए चावल थे उसको मैंने इसमें डाला। साथ ही हम यहाँ पर नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मैंने कहा था ना कि हमें खिचड़ी में भी डालना है, तो हम यहाँ पर हल्दी भी डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला देंगे, और 5 मिनट के बाद देखना आपकी खिचड़ी ना ऑलमोस्ट जो है पक चुकी होती है, क्योंकि ये छोटा वाला चावल है, नया चावल, तो जल्दी पक जाता है। फिर इसमें मैंने सारी भुनी हुई सब्जियां डाल दी, ये भी हाफ कुक था, तो बहुत आसानी से पक जाएगा। इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए,
और 5 से 7 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाओगे तो देखोगे कि आपकी जो खिचड़ी है ना पककर तैयार है। अगर आपको लगे कि नहीं पका है थोड़ा सा और पका लेना, क्योंकि मेरे तो खिचड़ी पक के बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये देखो कितना अच्छा गोभी भी बन गया है, और आलू भी आपको दिखाती हूँ। आलू जबकि मैंने बड़े बड़े काटा था, चूंकि नया आलू है वो भी, तो बहुत आसानी से नया वाला आलू भी पक जाता है। तो देखा आपने कितनी जल्दी जो है, ना ज़्यादा खड़े रहना पड़ा किचन में, और आसानी से हमारा खिचड़ी बन गया। हरा धनिया डालो, गार्निश करो और खाओ, खिलाओ मज़े से। संक्रांति पर खिचड़ी खाई भी जाती है बिहार में, और इसकी दान भी कई जगह की जाती है। बहुत ही सुपाच्य होता है, आसानी से बन जाता है, और लंबे समय तक पेट तो भरा ही रहता है, और इससे ब्लोटिंग की समस्या भी ना आसानी से दूर होती है। तो दोस्तों आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी मेरी ये खिचड़ी की रेसिपी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले रेसिपी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।